नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फिरोजाबाद के मक्खनपुर नगर निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। नगर पंचायत मक्खनपुर में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार सपा से एसके अरुड़ ने मक्खनपुर नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की। सपा नेता एसके अरुड़ अपने दर्जनों समर्थकों के साथ दिन रात जनसंपर्क कर अपना वोट सहेजने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी भारती समाचार और मैं आपके साथ चंद्रकांत राठौर। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संतोष जी। जानते हैं उनके बारे में, क्या उनका बायोडाटा है, कहां से बिलोंग करते हैं, कहां के रहने वाले हैं और किन किन बातों के साथ वो वोट मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहां से बिलोंग करते हैं आप जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को डीवी भारती को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप लोग समाज में समाज के विकास को पब्लिक तक पहुँचाते हैं, इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर एस के अरुण मक्खनपुर से, यहाँ मैं 35 साल से रह रहा हूँ और जनता की सेवा में तत्पर रहता हूँ। आपसे अगर बात की जाए, आपके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी दमदारी से मैदान में है, कैसे फाइट कर पाएंगे आप उनसे? मैं पूरी तरह से उनको फाइट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथी, मेरे समर्थक, मेरे सभी दोस्त मेरा बहुत अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और जनता, मेरी पूरी जनता मेरे साथ है और बहुत अच्छा समर्थन कर रही है। जनसंपर्क आप कर रहे हैं, जनसंपर्क में क्या क्या शिकायतें आपको मिल रही हैं, किन किन शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी, जनसंपर्क करने जाता हूं तो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह जैसे बहुत जगह पानी नहीं आता है या बिजली के खंभे बहुत दूर हैं, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था ठीक से नहीं है, गलियों में साफ सफाई नहीं ठीक से होती है और बहुत सारी जो शिक्षा से संबंधित परेशानियां, बच्चों के लिए ठीक से पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं समाज में फैली हैं जिसको मैं पूरी तरह से ठीक कराने की पूरी तरह से तन्मयता से कोशिश करूंगा और समाज की सेवा करूंगा। नगर पंचायत की बात करें तो मक्खनपुर में किन क्या क्या वादे आप कर रहे हैं, जब जनसंपर्क करते हैं क्या क्या वादे आपके रहते हैं, कैसे संतुष्ट कर रहे हैं आप? जी, बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं जनता को यही अपील करता हूँ और जनता से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करके ये बात बताता हूँ कि जनता मेरे हाथ मजबूत करे और मुझे अच्छे वोटों से जिताए। इसके बाद जनता को विकास के रास्ते सारे खोल दिए जाएंगे, जहाँ कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, उसके लिए अच्छी नालियाँ, अच्छी सड़कें, पानी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता पर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा। हर प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं पूरी तन्मयता से साथ खड़ा रहूँगा। 4 मई को होने वाले चुनाव मतदाताओं से यही संदेश देना चाहेंगे कि मैं, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि समाज में जो शिक्षित है, समझदार है, लगनशील है, जुझारू है, ऐसे व्यक्ति को अपना कीमती वोट दें और अपना कीमती वोट जो है ना, वोट की कीमत अमूल होती है, इसलिए ऐसे गलत हाथों में वोट ना दें। जो लोग जिनकी आदतें गलत हैं या जो कुरीतियों में फंसे हुए हैं या जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है या जिनकी छवि खराब है, ऐसे लोगों को अपना कीमती वोट देकर अपना समय बर्बाद ना करें और अपना लाइफ बर्बाद ना करें। इसलिए हमेशा शिक्षित समझदार इंसान को वोट दें, जो जीतेगा उसके हाथ मजबूत होंगे, मजबूत हाथों से जनता की सेवा करेगा और तत्पर सेवा में लगा रहेगा। जैसा कि देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।